नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर पॉलीनोमियल्स का एक्सरसाइज 3.3 में हमें करना है सिंथेटिक और लीनियर डिवीजन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे जो भी दिया है उसे हम डिवाइड करना है। तो मतलब सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है और लीनियर। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इंक्लूड किया है और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड आल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड, राइट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर भी लिखना है, हमें दोनों मेथड यूज़ करना है। देखिए हमने 2 कॉलम बनाए, यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, यहाँ पे हम लीनियर डिवीजन मेथड करेंगे। दोनों मेथड हम करने वाले हैं एक ही सम के लिए। यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन, 2m² - 3m + 10 डिवाइडेड बाई m - 5। देखिए सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो यह डिवाइज हमारा डिविडेंड होता है उसको हम इंडेक्स फॉर्म में रखते हैं। देखिए यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म ऑलरेडी है, यह पावर 2 है, पावर 1 है, मतलब ये इंडेक्स फॉर्म ऑलरेडी है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म डिविडेंड का, 2 - 3 और 10, यह कोएफिशिएंट फॉर्म है। अब डिवाइजर कौन है, ये भी लिख देते हैं, डिवाइजर हमारा है m - 5। अब देखिए जो डिवाइजर में m - 5 है ना, तो ये जो -5 है ना, हम इसके अपोजिट लेंगे। -5 का अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा, तो लिख देंगे अपोजिट ऑफ -5 = 5। अब हम यहाँ पे एक इस तरह बॉक्स जैसे बनाना, मतलब लाइन ड्रॉ करना है। ये जो डिवाइजर लिए थे हमने, यहाँ में -5 का अपोजिट 5 लिए थे, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो कोएफिशिएंट लिए थे डिविडेंड का उसको यहाँ पे दूर दूर लिखेंगे, 2 - 3 और 10, थोड़ा दूर या दूर में लिखना है। अब क्या करना है, हमें पहले 2 को एज यूज उतार लेना है। 2 यहाँ पे आएगा, पहले 2 का 5 में इंटू करना है, 5 2 से कितना हो जाएगा 10 हम यहाँ लिखेंगे। 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। अब ये जो 7 आया है इसका हम यहाँ पे इंटू करें, 7 - 5 = 35, यहाँ पे हम 35 लिख दिए। 10 और 35 कितना हो जाएगा 45। फिर से देख लीजिएगा, 5 हमने कहाँ से लिखा है, ये -5 का अपोजिट लिया था हमने। अगर सपोज कि यहाँ 5 होता तो हम क्या लेते हैं, -5, तो हमें -5 ले लेना है। यहाँ -5 दिया था, इसका अपोजिट क्या था, 5, सो वी हैव टेकन 5 हियर। और उसके बाद ये सब क्या लिए हैं, कोएफिशिएंट लिए हैं, ये सब डिविडेंड का कोएफिशिएंट लिख लिए। दूर दूर लिखना हमें, 2 को एज इट इज उतार लेना है, 2 का इंटू पहले 5 में करना है, 10 होगा, 10 यहाँ लिखेंगे, 10 - 3 विल बी 7, 7 × 5 विल बी 35 + 10 इट विल बी 45। अब जो कि जो लास्ट वाला है ना, ये हमारा क्या है, ये डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म में, सॉरी कोएफिशिएंट का डिविडेंड फॉर्म में, सॉरी कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट फॉर्म मिल गया है। अब यह जो लास्ट नंबर था उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको हम बॉक्स में ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है। बचा क्या, 7 और 2, तो लिखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट, क्या आया 2 और 7, ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो उसको हमें इंडेक्स फॉर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना हो जाए, देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, और हमें वेरिएबल कौन सा यूज़ करना है, m, तो पावर 1 ही रहेगा, मतलब 2m + 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। और रिमाइंडर लिख देते हैं, रिमाइंडर कितना है 45। फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी इक्वेशन दी गई, जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दी गए हमें, पहले उसका क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म इसका क्या होगा, 2 - 3 और 10, 2 - 3 और 10 लिख दिए। डिवाइजर क्या था, यह -5 था, इस -5 का हम अपोजिट लिए क्या लिया, 5, उसको हम यहाँ पे लिखे हैं, और यह क्या लिखे हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये 2 - 3 और 10 दूर दूर लिखना है। 2 को ऐसे उतारना है, 2 का 5 में इंटू किए 10 होगा, 10 यहाँ लिखें, 10 - 3 7 हुआ, और 7 का 5 में किए 35 हुआ, 35 + 10
45, और जो लास्ट वाला टर्म रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। अब यह क्या है, यह क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म है, क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया 2m प्लस 7, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, यह हमारा रिमाइंडर आ गया। अभी हम इसी सम को लीनियर डिवीजन मेथड से करने वाले हैं, तो देखिए बहुत ईजी वो भी है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10। यहाँ पे देखिए हमें जो डिवाइज़र है m माइनस 5, यहाँ पे m देखिए जो 2m स्क्वायर है उसके अंदर क्या है, 2m इंटू m है, 2m इंटू m तभी तो m स्क्वायर हुआ, और हमें यहाँ पे डिवाइज़र में m चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे m माइनस 5 लेते हैं तो 2m इंटू m करेंगे तो 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, 2m इंटू m में इसको डिवाइड करके लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2m और ब्रैकेट में लिख देंगे m माइनस 5। 2m का m में मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर आएगा, लेकिन 2m का अगर हम 5 में इंटू करते हैं तो माइनस 10m आएगा। अगर माइनस 10m को हटाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका अपोजिट कोई लेना पड़ेगा, और उसका अपोजिट हमें क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस 10m भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसको हटाना ही यहाँ से, क्योंकि हम अपने मन से ले रहे हैं। तो चलिए 2m सॉरी अब क्या किया हमने यहाँ पे 2m और यहाँ पे क्या लिखा, m माइनस 5 लिखा, 2m का m में करेंगे तो 2m हो जाएगा, लेकिन 2m का 5 में करेंगे कितना आएगा, माइनस 10m आएगा, तो माइनस 10 आएगा तो हमें क्या लेना है, उसका अपोजिट ले लेना है, क्योंकि हमने 2m का 5 में इंटू किया तो 10m माइनस 10 आएगा, लेकिन उसका हमें क्या लेना है यहाँ पे, अपोजिट, और इसको कॉपी कर लेना है, माइनस 3m प्लस 10, 2m m माइनस 5 एज इट इज रहेगा, 10m में से 3m माइनस करते हैं तो 7m प्लस 10, इसको अभी कुछ नहीं करना है, एज इट इज उतारते रहना है, 2m m माइनस 5। देखिए यहाँ पे भी m है, मतलब हम यहाँ पे m माइनस 5 फिर से लिख सकते हैं, तो 7m माइनस 5, 7 का m में करेंगे 7m हो रहा है, 7 का 5 में करेंगे माइनस 35, और माइनस 35 को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस 35, तो हम यहाँ बाजू में प्लस 35 लिख देते हैं और प्लस 10। अब देखिए m माइनस 5 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारा 2m प्लस 7, और यह दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। सो लिख देते हैं, सो देयर फोर क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे 2m प्लस 7, और जो रिमाइंडर है हमारा 45। देखिए दोनों जो डिवीजन है उसके आंसर सेम आएंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन कितना है 2m प्लस 7 और रिमाइंडर 45, वहाँ भी क्वेश्चन क्या है 2m प्लस 7 और रिमाइंडर क्या है 45। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 4x रेज 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। देखिए यह जो दिया हमारा इंडेक्स फॉर्म है, बिकॉज पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, विदाउट वेरिएबल है, तो हम इसका पहले क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से करने वाले हैं, तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिख देते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नंबर है, तो क्या एज्यूम करें हम 1, 1, 2, 3, 4, 5, यह हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया किसका, डिविडेंड का। डिवाइजर हमारा क्या है लिख लेते हैं, डिवाइजर हमारा दिया है x प्लस 2, यहाँ प्लस 2 है और प्लस 2 का अपोजिट क्या होता है, माइनस 2, तो लिखेंगे हम यहाँ पे अपोजिट ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस 2, 2 का अपोजिट क्या होता है, माइनस 2 होता है। अब हमें क्या है, जो कोएफिशिएंट है हम यहाँ पे दूर दूर लिख लेना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसके बाद जो माइनस 2 लिए हैं यहाँ पे, पहला क्या करना हमें 1 को एज इट इज उतार लेना, 1 यहाँ पेगा, 2 का 1 का माइनस 2 में इंटू करेंगे कितना आएगा, माइनस 2, माइनस 2 यहाँ प्लस 2 और माइनस 2 है, 2 माइनस 2 इट विल बी 0, अब 0 का माइनस 2 में इंटू करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, 3 एंड 0 कितना हो जाएगा, 3, 3 का माइनस 2 में इंटू करते हैं तो माइनस 6 हो जाएगा,
4 माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, 2 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस सिक्स है माइनस टू, और इस माइनस टू का फिर माइनस टू में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और ना 4 प्लस 5 विल बी 9, और जो लास्ट टर्म रहेगा हमारा क्या रहेगा रिमाइंडर, और यह सब क्या है जो हमारा कोशेंट होता है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म है, तो लिख लेते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या है 1, 0, 3, -2, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे देखिए 1, 2, 3, 4 फोर टर्म है, तो इसमें डिग्री जो लेने वाले वो कितना रहेगा 3 रहेगा, तो यक्स यहाँ पे यक्स दिया है वेरिएबल, तो यक्स लेंगे यक्स रेज 3, इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3x-2, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और रिमाइंडर रिमाइंडर कितना हो गया 9, ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से किया। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं लीनियर डिवीजन मेथड से, चलिए लिख लेते हैं यक्स रेज्ड 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+5, यहाँ पे देखिए यक्स क्यू है, यक्स पावर 4 है, और यहाँ पे यक्स है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा बाहर यक्स क्यू लिखना पड़ेगा, यक्स क्यू और यहाँ पे क्या लिखेंगे यक्स प्लस 2। अब ध्यान देखिए यक्स क्यू है, और यक्स क्यू का अगर यक्स में मल्टीप्लाई करते तो यक्स 4 हो जाएगा, लेकिन यक्स क्यू का जब यक्स में 2 में इंटू करेंगे तो क्या होगा 2x³ आएगा, यह क्या आएगा पॉजिटिव, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा अपोजिट, तो क्या अपोजिट लेंगे -2x³ लेते हैं, और इसको एज इट इज उतार लेते हैं यहाँ से पूरा पार्ट, प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+5, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यक्स क्यू यक्स प्लस 2। अब देखिए यक्स क्यू माइनस में है 2x³ प्लस में है, तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा प्लस 3x² प्लस 4x+5, यक्स क्यू यक्स प्लस 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिए 3x² है, मतलब यहाँ पे 3x भी हम क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं 3x और यक्स प्लस 2, क्योंकि 3x में x का इंटू करेंगे आएगा 3x² आएगा, लेकिन 3x में जब 2 का इंटू करेंगे तो 3×2=6x हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा -6x, और 4x+5 को एज इट इज उतार लेते हैं, यक्स क्यू इन ब्रैकेट x² x+2 प्लस 3x x+2, यह माइनस हो जाएगा 6x और 4x, 6x में से 4x जाएगा तो -2x+5, यक्स क्यू यक्स प्लस 2 3x x+2, देखिए यहाँ पे x हमें चाहिए था तो x है तो हम -2 लिखते हैं, तो x+2 -2 का x में इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा, लेकिन -2 का अगर 2 में करते हैं तो -4 आएगा, तो -4 का अपोजिट क्या होता है +4, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे +4 और +5। अब देखिए ध्यान से x+2 कॉमन लेते हैं हम, तो क्या बचेगा सेकेंड ब्रैकेट में x³ प्लस 3x-2 एंड वहाँ पे 4+5 इट विल बी 9, यह हमारा डिवाइजर है, यह हमारा कोशेंट है, और ये क्या है रिमाइंडर, सो लिख देते हैं कोशेंट इज इक्वल टू यक्स क्यू प्लस 3x-2 एंड रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में भी सेम आंसर आया है x³ + 3x-2, और वहाँ पे भी सेम आया है, रिमाइंडर भी हमारा सेम है, इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है y³ - 216 / y-6, देखिए यह जो हमारा डिविडेंड है उसका ही हमें क्या करना पड़ेगा पहले इंडेक्स फॉर्म, क्योंकि यहाँ पावर 2 है उसके पास पावर, यहाँ पावर 3 है पावर 2 पावर 1 और उसका विदाउट वेरिएबल होना चाहिए, तो पहले हम इसका इंडेक्स फॉर्म लिख लेते हैं, लेकिन इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा y³ + 0y² + 0y-216। अब जो इंडेक्स फॉर्म आ गया अब इसका हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है,
कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नंबर, तो क्या वजन करेंगे वन, फिर ज़ीरो ज़ीरो माइनस 216, ये हो गया हमारा डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म। डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू है वाई माइनस सिक्स, यहाँ देखिए माइनस सिक्स है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट हम ले लेते हैं, लिखेंगे अपोजिट ऑफ माइनस सिक्स क्या होगा सिक्स, यहाँ पे हमें लिख लेते हैं नंबर वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस 216, और यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं प्लस सिक्स लेने वाले हैं। पहले क्या करना है, वन को एज इट इज हमें उतार लेना है, वन का सिक्स में इंटू करना है, वन सिक्स जा सिक्स, यहाँ पे ज़ीरो प्लस सिक्स इट विल बी सिक्स, सिक्स का फिर सिक्स में इंटू करना है तो कितना आएगा 36, 36 प्लस ज़ीरो इट विल बी 36, 36 का फिर सिक्स में इंटू करना है तो इट विल बी 216, 216 माइनस 216 इट विल बी ज़ीरो। ये जो लास्ट नंबर था हमारा क्या रहता है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ चुका है हमारा जीरो आ गया है, और ये क्या है कोसेंट का कोएफिशिएंट फॉर्म है, तो लिख देते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोसेंट क्या आया 16 एंड 36। अभी हम कोसेंट लिख देते हैं, सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 2 3 थ्री टर्म है, मतलब कि वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, जितना भी टर्म रहते हैं उससे कम करके हम उसके ऊपर पावर लेते हैं, तो 2 ही लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर लिख देते हैं एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, यह हमारा सिंथेटिक डिवीज़न हो गया। अभी सेम क्वेश्चन को हम लीनियर डिवीज़न मेथड से करने वाले हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पे वाई क्यू माइनस 216, यहाँ पे देखिए हमारा जो डिवाइजर हो क्या y है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाहर क्या लेंगे y स्क्वायर लेना पड़ेगा, y स्क्वायर और यहाँ पे y माइनस 6। अब देखिए y स्क्वायर का y में करें तो y क्यू हो गया, लेकिन वाई स्क्वायर का जब माइनस सिक्स में करें तो माइनस सिक्स वाई स्क्वायर आएगा, तो इसका जस्ट हमें क्या लेना पड़ेगा अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा प्लस सिक्स वाई स्क्वायर और माइनस 216 एज इट उतार लेना हमें वाई स्क्वायर वाई माइनस सिक्स। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है मतलब इसके अंदर भी वाई है, तो हम यहाँ पे सिक्स वाई कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा वाई माइनस सिक्स, जो हमारा डिवाइजर हो लेना है 6y का y में इंटू करेंगे तो 6y स्क्वायर हो गया, लेकिन 6y का जब माइनस सिक्स में इंटू करेंगे तो माइनस 36y आएगा, और माइनस 36y का हमें अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस 36y माइनस 216 वाई स्क्वायर वाई माइनस सिक्स प्लस 6y वाई माइनस सिक्स, इसको तो ऐसे उतारना ही ऐसे ही है, यहाँ पे देखिए y यहाँ पे हम ये है तो हम 36 कॉमन ले लेते हैं, 36 बाहर लेंगे तो y माइनस सिक्स, 36 का y में इंटू करें 36y हो जाएगा, लेकिन 36 का अगर माइनस सिक्स में करेंगे तो माइनस 216 होगा, तो माइनस 216 का अपोजिट क्या होता है प्लस, प्लस 216 और यहाँ पे बचा हुआ है माइनस 216, अब कॉमन लेते हैं, देखिए y माइनस सिक्स y माइनस सिक्स y माइनस सिक्स y माइनस सिक्स का कॉमन लिए तो सेकेंड ब्रैकेट बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेंट, कोसेंट हमारा आ गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस सम को हमने सिंथेटिक और लीनियर डिवीजन दोनों मेथड से किया, जहाँ पे आंसर दोनों क्या है सेम है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।